नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है या ऐसी रेखाएं हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ में करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, अरबपति कौन नहीं बनना चाहता, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता और स्टेटस को कौन नहीं पाना चाहता। सब कुछ अपने एक लक्ष्य को पाना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली है हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के घटनाक्रम के बारे में बताती है। यह हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले, जब भी अपनी करियर की बात करते हैं तो अपनी हम भाग रेखा को देखते हैं। भाग रेखा हमारी प्रबल है, हमारी लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकेत देती है। हम एक हर वो चीज़ हासिल करेंगे जो हमारे लक्ष्य का एक मार्ग दर्शाता है। अगर भाग्य रेखा प्रबल है तो हम जीवन में सारी सफलताएं प्राप्त करने वाले हैं। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये हमारी बुध की फिंगर बड़ी होनी चाहिए हमारे सन के पहले पोर से। आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, आपकी बुद्धिमत्ता को मजबूत करती है और यहाँ पर एक शुभ साइन, यहाँ पे एक फिश साइन बनी हो। ये फिश साइन ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाती है, एक्टिवेट करती है। किसी भी प्रोफेशनल को बिजनेस के आपके नए नए सोच पैदा करती है, तकनीक लेके आती है और यहाँ पर एक बड़ी फिश साइन। जब भी हम बड़ी ग्रोथ की बात करेंगे तो सन के माउंट पे फिश का साइन देखेंगे। ये हमें मान सम्मान और यहाँ पर एक बड़े उद्योगपति का बेस तैयार करती है, नेम फेम तैयार करती है और ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्धि रेखा देखेंगे हम। यहाँ पे एक फेम लाइन जिसको बोलते हैं, इसका ये सिर्फ आपको फेम दिलाती है, बड़े बड़े लोगों के साथ पहचान कराती है और ऐसे लोग बड़े एक सफल होते हैं जिसका नेम फेम होता है। और इसी के साथ ये गुरु के पर्वत पे एक सीधी रेखा ये आपकी स्थिरता को कायम रखती है, आपकी मन की स्थिति को मजबूत करती है, आपको स्टेबलता देती है, आपके ग्रोथ के बारे में बता रही है। और यहाँ पे एक बना हुआ त्रिकोण है, त्रिकोण का साइन यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, सरकारी लाभ मिलता है और इनको एक मार्गदर्शन करने का काम मिलता है, संचालन का काम करते हैं गुरु। एक ज्ञान और बड़ी आध्यात्मिक ग्रह है, ये आपके मान सम्मान को वृद्धि करता है। और यहाँ पर एक गुरु बल है, ये आपको यहाँ पे धार्मिकता देता है। इसी के साथ ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, चंद्र के क्षेत्र के ऊपर एक आपके यहाँ पे पौड़ी बनी हो जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं। ऐसे लोग इसमें चार खाने बने हो, चार खाने बने हो, जैसे हम एक लक्ष्य की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, एक अपनी मेहनत के दम पर, अपने कर्म के दम पर, जिसको अपने बिजनेस के दम पर एक ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, वो हमारी पौड़ी का एक स्थिरता बताती है कि हम धीरे धीरे इस पौड़ी से अपने उस लक्ष्य को हासिल करेंगे और ज़िंदगी की उस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ के अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारा मून है, हमारा मन जितना खुश होगा, हमारा मन जितना शांत होगा, हम उतनी ही अपने बिजनेस सेंस को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक त्रिकोण बना हो, त्रिकोण आपको क्या करता है, व्यापार के माध्यम से नेम फेम दिलाता है,
एक शहर से दूसरे शहर से और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाता है। और यहाँ पे जो फिश साइन है, और यहाँ से एक रेखा आपके चंद पर्वत की तरफ देख रही है, ऐसे लोगों का विदेश से आवागमन होता है, विदेश के थ्रू काफ़ी ये पैसे भी कमाते हैं। और यहाँ पर एक स्टार बना हो, ये स्टार बना हो, ऐसे लोग मल्टीपल जमीनों का काम करते हैं, ऐसे लोगों के एकड़ों में जमीन होती है, काफ़ी नेम फेम वाले व्यक्ति होते हैं। और ये शुक्र का पर्वत उठा हो, उन्नत हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ पे लग्जरियस लाइफ जीते हैं, सुख सुविधाएं सारी इनको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।